एग्जाम्पल हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में बात कर रहे थे, फिजिकल चेंज है क्या? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने। वनली द चेंज ऑफ आपको क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंजिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, आपको फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया टियरिंग ऑफ पेपर, हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया टियरिंग ऑफ पेपर। तो ये जो आपका जो पेपर था हमने इसे दो पार्ट में कर दिया, ये जो पेपर जब दो पार्ट में हुआ तो सिर्फ इसमें क्या चेंजिंग हुआ, सिर्फ इसमें जो है साइज का चेंजिंग हुआ। ये पेपर अभी ये इतना बड़ा था और ये अभी जो है ये दो पार्ट में टूट गया। इसका मतलब साफ है कि आपको जो सिर्फ शेप साइज का चेंजिंग हुआ, इसमें कोई प्रॉपर्टी आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टी मींस इसका जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुआ। अगर इंटरनल प्रॉपर्टी होता तो ये पेपर जो है ये दोनों का दोनों पे एक जैसा नहीं रहता, कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है डिफरेंसेस आते। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जो फिजिकल जो चेंज है ये आपको रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल आपको टियरिंग ऑफ पेपर है, तो क्या आप ये जो टियरिंग ऑफ पेपर है, हमने इसे जब ये ऐसे आपको एक सिंगल शीट में था, जैसे हम लोग इसी को ले लेते हैं, अभी ये हमारे पास ये पेपर है, हम इसे अभी इसे ऐसे दो पार्ट में इसे हमने क्या किया टियर कर दिया। जब इसे हमने दो पार्ट में जब टियर किया तो ये हम लोग देखते हैं क्या, इसमें आपको साइज का चेंजिंग आ गया। अगर हम लोग बोला जाए कि इसे वापस क्या ऐसे जोड़ सकते हैं, नहीं, इसका मतलब ये क्या है इरिवर्सिबल चेंज है। क्या है ये, आपको इरिवर्सिबल चेंज है, यानी इसका मतलब फिजिकल जो चेंज है वो आपको क्या है इरिवर्सिबल चेंज को शो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा। अगला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आपको जो है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास या फिर बल्ब। देखते हैं क्या बच्चे लोग क्या करते हैं, रास्ते से जा रहे होते हैं रात में तो बल्ब को जो है क्या करते हैं ढेला से मार के उसको तोड़ देते हैं। तो उसको जो बल्ब जो था आपका जो ग्लास का जो बना हुआ जो बल्ब था वो टूटा तो सिर्फ क्या हुआ, उसको छोटे छोटे पीसेस में टूट गया। पहले भी वो ग्लास था अभी भी वो ग्लास है, क्या उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग आया, कोई चेंजिंग नहीं आया, सिर्फ उसके साइज में चेंजिंग आया। लेकिन अगर बोला जाए वापस उसे हम लोग सिंपल मेथड से क्या उसे वापस हम लोग वो बल्ब बना देंगे उस ग्लास से, नहीं, इसका मतलब क्या है ये इरिवर्सिबल चेंज है। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आपको जो है आपको आइस है, आइस को अगर हम लोग बोले वाटर बना सकते हैं, वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को हम लोग फिर से आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आपको जो है यहाँ पर टेम्परेचर का चेंजिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका मतलब आइस से वाटर, वाटर से आइस, यानी ये रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आया, हमने दो एग्जाम्पल लिया, सबसे पहला एग्जाम्पल लिया आपको जो है फिजिकल ये टियरिंग ऑफ पेपर, दूसरा एग्जाम्पल लिया आपको कन्वर्जन ऑफ आपको जो है आइस इंटू वाटर, यानी इसका मतलब ये जो है इरिवर्सिबल चेंज को शो किया और ये रिवर्सिबल चेंज। इसका मतलब ये होगा जो फिजिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों चेंज को ये क्या करता है शो करता है। अंडरस्टैंड, ये क्या करता है जो आपको जो फिजिकल चेंज है ये आपको क्या है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंज दोनों चेंजेस को ये क्या करता है शो करता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्या है केमिकल चेंज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है केमिकल चेंज। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज है क्या, तो द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, वैसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे आपके पास क्या है, तो आपके पास आयरन है, जब हम लोग उसे हीट करेंगे है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो आयरन ऑक्साइड बन गया। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये आयरन और ऑक्सीजन था आयरन ऑक्साइड बना, तो इसका मतलब क्या हुआ ये आपको चेंजिंग हुआ, इसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे आपके पास H2 है आपके पास O2 है, जब हम लोग इसे करते हैं तो ये क्या बनता है आपको वाटर बनता है, क्या बनता है आपको, हम लोग इसे जो है बैलेंस करने का अगला टॉपिक है तो हम लोग बैलेंस करना जो है उसमें हम लोग इसको सीखेंगे। तो देखते हैं क्या ये जो वाटर है ये आपको ये हाइड्रोजन है, ये क्या है एक्चुअली हाइड्रोजन है, तो ये गैस के फॉर्म में है, ये भी ऑक्सीजन है ये भी गैस के फॉर्म है, लेकिन ये क्या है आपको लिक्विड के फॉर्म है, ये क्या है आपको लिक्विड के फॉर्म है। जो हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है जो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी, ये दोनों को जो मिलने से जो वाटर बना है ना, ये क्या बना है आपको एक्चुअल में वाटर बना, ये जो वाटर बना है तो ये वाटर का जो प्रॉपर्टी क्या है ये दोनों से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिफर है, क्या है ये कंप्लीटली डिफर है। जैसे हम लोग समझाने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब द सब्सटेंस विच कैन बर्न इजिली, जो आसानी से जल सके, उसे हम लोग कंबस्टिबल, यानी जो कंबशन के प्रोसेस को जो शो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। यानी इसका मतलब जो हाइड्रोजन आपका हुआ ये क्या है, आपको कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक सपोर्टर है, इट मींस किस चीज का सपोर्ट है, ये आपको कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए यानी कंबशन को शो करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड का काम, ये जो वाटर आपका लिक्विड है, वाटर जो है आपका यानी जो H2O है वो क्या करता है, आपको कंबशन को क्या करता है, एक्सटिंग्यूस करने में, यानी किसी भी जलते हुए सब्सटेंस को अगर हम पानी मारते हैं तो वो क्या है, बुझ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों से प्रॉपर्टी क्या डिफरेंट है कि नहीं है, कंप्लीटली डिफरेंट है, सुनाई मेरी बात, क्या है ये, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। अब आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं आपको, कि आपको हम लोग बात करेंगे यहां पर सबसे पहली बात कि आपको एग्जांपल हम लोग ले हैं, जैसे आपको येलोइंग ऑफ लीव्स, क्या है, येलोइंग ऑफ है ना लीफ का हम लोग लेते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, येलोइंग ऑफ लीफ, ये भी आपको क्या है, केमिकल चेंज है। पहले आपका जो लीफ था वो आपको ग्रीन कलर का था, पहले आपका क्या था, ग्रीन कलर का था, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है इसका कलर जो है येलो में कन्वर्ट हो गया, इसका कलर किस में कन्वर्ट हो गया, येलो में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब साफ जाहिर है कि इसके अंदर जो है केमिकल प्रॉपर्टी का क्या हुआ, चेंजिंग आया है, इसके लीफ में क्या आया है, केमिकल प्रॉपर्टी का चेंजिंग आया है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे आपको, है ना, केमिकल चेंज कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग इसे, केमिकल चेंज कहेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जिससे हम लोग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में हम लोग इसे पुट ऑन कर सकते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं क्या, आपको जो है डाइजेशन, जो हम लोग खाना को खाते हैं वो अंदर में क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्यों होता है डाइजेशन, क्योंकि वहां पर जो है आपको बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं। हम लोग जैसा कि 10 क्लास 10 में है और हम लोग डाइजेशन चैप्टर को देखे हैं, तो उसमें हमने देखा था कि आपको डाइजेशन क्या है, एंजाइमेटिकली गवर्न्ड प्रोसेस है। क्या है ये, एंजाइमेटिकली गवर्न, यानी इसमें बहुत सारे जो इंजाइम, अब बोलोगे सर इंजाइम क्या होता है, तो हम लोग ऐसे जब क्लास लॉकडाउन के बाद जब क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि इंजाइम क्या है, आपको एक बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, बायो मतलब लाइफ, आपको कैटलिस्ट मतलब क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा था जो बहुत स्लो हो रहा था, वैसा रिएक्शन जो क्या हो रहा था, बहुत ही स्लो हो रहा था, उसको फास्ट करना था, हमने कुछ ऐसा एडिटिव मटेरियल डाल दिया उसमें और वो क्या हुआ, रिएक्शन फास्ट होने लगा, तो वो क्या है आपको, आप वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। अब लिविंग बॉडी में जो कैटलिस्ट है उसे हम लोग कहेंगे बायो कैटलिस्ट। ये जो बायो कैटलिस्ट जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या, आपको इंजाइम का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो वो क्या है आपको, है ना, तो वो आपको क्या हुआ, डाइजेशन में इंजाइम जो है उसे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, यानी एक तरह का ये भी क्या है आपको, केमिकल चेंज है, है ना। फॉर एग्जांपल आपको जो है जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जो जर्मिनेट करता है, एक बार जब सीड जो जर्मिनेट करके जो आपको जो है आपको स्टार्ट करेगा जो है आपको प्लांट्स के फॉर्मेशन में, तो वापस क्या आपको जो है बने ये सीड वो होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब देखिए हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, आपको जो है गारमेंट शॉप में गए, वहां जाकर हमने क्या किया, आपको एक कपड़ा लिया, जैसे ये हमारा जैसे शर्ट है, हमने पहले इसे कपड़े खरीदा थे, इस कपड़े को फिर हमने टेलर में दिया, टेलर ने इसे आपको जो है इस तरह से शर्ट बना दिया, तो ये क्या आपको वो कपड़ा था, कपड़ा से शर्ट बन गया, यानी एक नया चीज बना क्या। अगर आपसे पूछे ये कौन सा चेंज शो कर रहा है तो आप लोग क्या बताइएगा, केमिकल चेंज। आप लोग तो सीधा सोचिएगा क्या कि भाई ये कपड़ा था, कपड़ा से शर्ट बना तो केमिकल चेंज है, नहीं भाई ये केमिकल चेंज नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज कैसा चेंज है, ये आपको इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है फिजिकल, कैसा चेंज है, ये इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि इसमें सिर्फ शेप और साइज का चेंजिंग हुआ है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो फिजिकल चेंज होते हैं वो आपको क्या होते हैं, इरिवर्सिबल आपको जो है होते हैं। हमने जैसा कि प्रीवियस आपको जो है प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया था कि आपको जो है जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो देखो
अगर आपको ये केमिकल चेंज होता तो इसके प्रॉपर्टी में चेंजिंग आना चाहिए था। आपको जो चीज का ये बना है, यानी जिस पॉलीमर का ये बना हुआ था, जो शर्ट जो कपड़ा था वो जिस पॉलीमर का बना था, शर्ट भी तो उसी पॉलीमर का, सिर्फ इसमें स्टिचेस पड़े हैं और स्टिचेस से सिर्फ शेप और साइज में चेंजिंग आया, यानी सिर्फ फिजिकल चेंज है। ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है। तो समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को लिए रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज को समझने के लिए, और हमने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिया किसको, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को समझने के लिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने वहां पे बात किया, अब बताइए जो केमिकल चेंज है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है या फिर बोथ? इट मीन से दैट डस केमिकल चेंज इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल और बोथ, क्या तीनों में से क्या है? अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझने का जो है कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, जैसे येलोइंग ऑफ लीव्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको जैसे मेकिंग ऑफ टी, आपको कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सारे चीजों को आप अगर जो है रिमाइंड करने की कोशिश करें कि अब वापस ये रिवर्स हो रहा नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क, एक बार मिल्क जो है कर्ड अगर बन गया है ना, कर्ड कैसे बनता है वो सब चीजें हम लोग जो है ना सीखेंगे कैसे बनता है। तो यहाँ पर एक बार जो है कर्ड बना, कि वापस उससे मिल्क बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, मिल्क नहीं बन सकता, इसका मतलब रिवर्स नहीं हुआ, रिवर्स नहीं हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने जैसे येलोइंग ऑफ लीफ, ये भी देख रहे हैं तो रिवर्स नहीं हो रहा। क्या एक बार पर जो लीफ है वो हरा से पीला हुआ तो क्या पीला से हरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल है ना, ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, यानी जितने भी केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल है। बट ऑल इरिवर्सिबल चेंज, बट ऑल इरिवर्सिबल चेंज मे बी फिजिकल और केमिकल। तो क्या बोले हम, ये आपको जो है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या बोले हम कि ऑल केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, जितनी भी केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे हमने ये सब चीजों को एग्जाम्पल में देखा, अब यहां पर बात की है क्या कि बट ऑल इरिवर्सिबल चेंजेज है ना आर नॉट केमिकल चेंज, इट मे बी फिजिकल और केमिकल। यानी कहने का मतलब क्या, जितने भी केमिकल चेंज है वो सब इरिवर्सिबल है, लेकिन जितने भी इरिवर्सिबल चेंज है वो जरूरी नहीं कि वो आपको केमिकल ही हो, फिजिकल भी हो सकता है भाई। जैसे इरिवर्सिबल चेंज यहां पर देख रहे हैं क्या, टियरिंग ऑफ पेपर, टियरिंग ऑफ पेपर, पेपर का जो टियर किए तो ये क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल चेंज है लेकिन फिजिकल है, है ना। हमने देखा क्या येलोइंग ऑफ लीफ, ये भी आपको क्या, ये केमिकल है बट इरिवर्सिबल, यानी यहाँ पर इससे पता चल रहा है क्या कि जो ये इरिवर्सिबल है ये भी इरिवर्सिबल है। इसका मतलब साफ है कि जो इरिवर्सिबल चेंज है वो आपको फिजिकल भी है हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। तो आप लोग इस चीजों को समझ में आया, ठीक है? अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। हमने इस चीजों में हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोग देखे चेंज, फिजिकल चेंज है ना, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इसके बहुत सारे चीजों को हमने देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब चीजों को हम लोग सीखेंगे, और केमिकल इक्वेशन, ये सब चीजों को सीखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जितना हम वीडियो एक दिन में बनाकर आप लोग को देंगे उस वीडियो का आप लोगों के पास जो है आपको पहुंच जाए, उसका जो है नोट्स बना के हम जो है साथ में आपको दे दिया करेंगे। इससे आप लोगों को क्या होगा कि आपको जो है क्लास में वो वीडियो जो है आप जो है देखते जाइए, फिर उसको जो है साथ में जो है आपको जो भेजा जाएगा नोट्स उससे लिखते जाइए। इससे आपका जो है एक दिन में जो हम लोग क्लास आवर में क्या करते थे, एक दिन पढ़ाते थे एक दिन लिखाते थे, यानी यहाँ पर दो चीजें एक साथ एक दिन में हुआ करेंगी। आप लोग इसको जो है घर पे लॉकडाउन का जो है फायदा उठाइए, जितने भी चीजें हैं उस चीजों को रिवाइज करिए, जितना भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको जो है एकदम जो है अगर समझ में नहीं आए वापस रिपीट करें, अगर नहीं और समझ में आता है तो हमसे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?